प्रेस द लॉर्ड, मैं सर्वप्रथम अपने जीवित परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ आज के इस सुंदर दिन के लिए। साथ ही साथ मैं अपने आदरणीय पासवान पास्टर डॉक्टर मैथ्यू के थॉमस को धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे इस योग समझे कि मैं भी इस प्रिंसेस वीक में परमेश्वर के वचन में से कुछ बांट सकूँ। तो आइए, वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। अपनी आँखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद धन्यवाद देते हैं हमारे जीवित महान सामर्थ्य परमेश्वर पिता, आज के इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जितने लोग प्रभु आज के वचन को सुनते हैं प्रभु, हर एक प्रभु वचन के द्वारा आशीषित होने पाए, हम सबों के साथ होइए, हमारी सहायता और मदद करिए। प्रभु जी, आपके हाथों में दे देते हैं हर एक बातों के लिए धन्यवाद। सारे आदर में हम आपको देते हैं, मांगते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। जैसा कि हम सब जानते हैं, गत 8-9 माह से ये पूरा संसार, पूरा विश्व COVID-19 के प्रकोप से भयभीत है, परेशान है, डरे, लोग सब डरे हुए हैं। और अपने जीवन में इस महामारी के कारण कई लोग बहुत संघर्ष भी कर रहे हैं। हमें उन लोगों के लिए प्रार्थना करना है। इस समय डरने या भयभीत होने की जरूरत नहीं, बल्कि प्रभु पर भरोसा रखकर प्रार्थना करते रहना है। उसकी दया, उसकी करुणा के कारण आज हम सब सुरक्षित पाए जाते हैं। हम सुरक्षित हैं क्योंकि हमारे लिए हमारे प्रभु का ये वायदा दिया गया है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। बाइबल में हम प्रभु के हजारों वायदों को पढ़ते हैं जो प्रभु ने अपने लोगों के लिए, अपनी प्रजा के लिए दिए हैं, ताकि उसकी प्रजा के लोग आशीष को प्राप्त करें और उसके नाम को धन्य कहें। आज मैं आपको परमेश्वर पिता के कुछ वायदों के विषय में बताना चाहूंगी। मनुष्य जो वायदा करता है, कई बार वह उन वायदों को निभा नहीं पाता है, कई बार वह अपने वायदों को भूल जाता है और कई बार उन वायदों से वह मुकर जाता है या किसी कारणवश उन्हें निभा नहीं पाता। लेकिन हमारे प्रभु के वायदे सदा अटल रहने वाले वायदे हैं। जो कुछ प्रभु ने कहा है वह उसे पूरा भी करता है और करता रहेगा। तो आज का मेरा विषय है प्रॉमिस ऑफ गॉड, परमेश्वर के वायदे। आइए देखते हैं प्रभु हमसे क्या कहता है। पहली बात, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। यहोशू 1:5 और यहोशू 1:9 में ऐसा लिखा है, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। परमेश्वर यहोशू से ये वाचा बांधता है कि जहां कहीं तू जाएगा वहां मैं तेरे साथ रहूंगा। प्रियो, प्रभु का ये वायदा हमारे लिए भी है। जहां कहीं हम जाएंगे प्रभु हमारे साथ रहेगा, हमें डरने की या घबराने की जरूरत नहीं। यदि हम प्रभु की इच्छा के अनुसार अपने जीवन में चलते हैं तो निश्चय ही प्रभु हमारे साथ रहेगा। जिस प्रकार यहोवा परमेश्वर यहोशू के साथ था, उसके साथ साथ चलता था, वही परमेश्वर आज भी हमारे साथ है। मत्ती 28:20 में ऐसा लिखा हुआ है, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। आज आपकी स्थिति कैसी भी क्यों ना हो, यदि आज आप कमजोर हैं, अकेले हैं, याद रखें परमेश्वर सदैव आपकी चिंता करता है। वह जीवन की परीक्षाओं में, संघर्षों में सदैव आपके साथ है। वह अपना अनुग्रह आपको देगा। उसकी उपस्थिति हमारे जीवन में हमारी अगुवाई करती है। भय में, चिंता में, निराशाओं में, दर्द में, पीड़ा में हर वक्त हमारा प्रभु हमारे साथ है। वो हमारा सच्चा मित्र है, वो हमारा सच्चा साथी है। दुनिया के मित्र हमें धोखा दे सकते हैं, दुनिया के मित्र हमें छोड़ सकते हैं, लेकिन हमारा सच्चा मित्र जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, उसका ये वायदा है, वह सदैव हमारे साथ रहेगा। इसलिए अपने जीवन में भयभीत ना हो और प्रभु पर भरोसा रखें। दूसरी बात हम यहाँ देखेंगे, मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा। भजन 32:8 में ऐसा लिखा हुआ है,
मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। प्रियो, प्रभु का ये वायदा है कि वह एक क्षमा किए हुए विश्वासी को बुद्धि देगा। जिस मार्ग में उसे चलना है उस मार्ग में प्रभु उसकी अगुवाई करेगा। प्रभु उन लोगों को बुद्धि देगा जिसमें सीखने की आत्मा हो, जो परमेश्वर की उपस्थिति व मुक्ति का मूल जानता हो, जो उस पर विश्वास करता हो, जो प्रभु में आनंदित रहता हो और जिसका मन सीधा हो, ताकि ऐसे व्यक्ति को प्रभु अपनी बुद्धि से भरेगा, ताकि हम अपने जीवन में सही निर्णयों को ले सकें। जिस प्रकार परमेश्वर ने यूसुफ को बुद्धि दिया और यूसुफ अपने जीवन में व्यभिचार करने से बचा रहा, वैसे ही हमें बुद्धि की जरूरत है ताकि हम एक धर्मी जीवन जी सकें। यदि आपके पास बुद्धि की घटी है तो आज ही प्रभु से प्रार्थना करें, वह आपको अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ देगा। याकूब 1:5 में लिखा है, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो वह परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। हमें प्रभु से मांगना है, हमें उसके वायदों पर संदेह नहीं करना है। आज हमें प्रभु के पास जाने की और विश्वास पूर्वक उससे मांगने की जरूरत है। नीति वचन 2:6 में लिखा है, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है और ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। हाँ प्रियो, हमें अपने जीवन में सही मार्गदर्शन के लिए बुद्धि की जरूरत है। इसलिए प्रभु कहता है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा। प्रभु हमको बुद्धि देगा ताकि हम उसके वचन की गुण भरी बातों को हम समझ सकें। जब हम वचन के ज्ञान में आगे बढ़ेंगे, हम कभी भी अपने मार्ग से भटकने नहीं पाएंगे, वरन उस मार्ग पर हम आगे बढ़ेंगे जो जीवन का मार्ग है, जिस पर चलकर हम स्वर्ग तक पहुंच सकते हैं। प्रभु की प्रतिज्ञाओं पर और उसके वायदों पर हमेशा भरोसा रखें। तीसरी बात, मैं तुझे बचाऊंगा। ये हमारे परमेश्वर पिता का हमारे लिए वायदा है, मैं तुझे बचाऊंगा। यिर्मयाह 15:20 में ऐसा लिखा हुआ है, मैं तुझे बचाने और तेरा उद्धार करने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। हाँ प्रियो, हमारा परमेश्वर उद्धार करने के लिए हमें बचाता है। भजन 17:7 में ऐसा लिखा हुआ है, प्रभु हमें विरोधियों से बचाता है। यदि आज आपका कोई शत्रु है, यदि आज आपका कोई विरोधी है, आपका कोई विरोध करने वाला है, याद रखें प्रभु आपको उन विरोधियों से बचाएगा। भजन 34:19 और भजन 43:1 में ऐसा लिखा हुआ है, वह हमें विपत्तियों से बचाता है। यह हमारे परमेश्वर का वायदा हमें दिया गया है कि वह हमें हर एक प्रकार की विपत्तियों से बचाएगा। आज आपके जीवन में कई प्रकार की विपत्तियां, मुश्किलें हो सकती हैं, लेकिन याद रखें हमारे प्रभु का ये वायदा है, हर प्रकार की विपत्तियों से प्रभु आपको आजाद करेगा। भजन 59:2 में लिखा है, प्रभु हमें बुराई करने वालों के हाथों से बचाता है। आज आपके आसपास कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो आज आपकी बुराई करते हैं, कितने लोग हैं हमारे चारों ओर जो एक दूसरे की बुराई करते हैं। प्रभु हमें ऐसे बुराई करने वाले हाथों से बचाता है, प्रभु हमें ऐसे बुराई करने वाले लोगों से बचाता है। भजन 56:13 में लिखा है, वह हमारे पैरों को फिसलने से बचाता है। संसार में रहते हुए कई बार हम इस संसार की प्रलोभन की बातों की ओर आकर्षित होने लगते हैं, सांसारिक बातों की ओर आकर्षित होने लगते हैं। यदि हम प्रभु की उपस्थिति में रहें, उसके वचन में दृढ़ रहें, तब हमें संसार के प्रलोभनों से प्रभु बचाएगा, हमारे पैरों को फिसलने से वो बचाएगा। भजन 37:40 और भजन 97:10 में लिखा है, वह हमें दुष्ट लोगों से बचाता है। परमेश्वर पिता का ये वायदा है कि वह हमें हर एक दुष्ट लोगों से बचाएगा। दूसरा कुरिन्थियों 1:10 में लिखा है, प्रभु हमें
मृत्यु से बचाता है। जिस प्रकार यहोवा परमेश्वर ने दानियल के जीवन को भूखे शेरों के मुख से बचाया, उसी प्रकार प्रभु हमारे प्राणों की रक्षा करता है। प्रियो, प्रभु का बचाने वाला हाथ सदैव हमारे साथ है, हमारे ऊपर एक रक्षा कवच के रूप में सदैव बना रहता है। प्रभु का ये वायदा है केवल उन लोगों के लिए जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, जो धर्मी हैं, और ऐसे लोगों को प्रभु सदैव बुरी बातों से बचा कर रखता है। हमें अपने प्रभु के साथ एक धर्मी जीवन जीना है। चौथी बात जो प्रभु हमसे कहता है, मैं तुम्हें शांति दूंगा। फिलिप्पियों 4:7 में लिखा है, परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। परमेश्वर की शांति ऐसी शांति है जिसे कोई समझ नहीं सकता। यूहन्ना 14:27 में ऐसा लिखा हुआ है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। हाँ प्रियो, प्रभु की शांति के द्वारा हमें हियाव मिलता है, हमें ढाणस मिलता है। यशाया 66:13 में लिखा हुआ है, जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है वैसे ही मैं तुम्हें शांति दूंगा। सचमुच में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारा परमेश्वर हमें एक माता के समान शांति देने का वायदा करता है। भजन 94:19 में लिखा है, हमारी चिंताओं के समय वो हमें शांति देता है। आज आपके पास अनेक प्रकार की चिंता हो सकती है, आज आपके पास अनेक प्रकार के दुख परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन प्रभु का वायदे को स्मरण रखें, वह शांति का राजकुमार है, वह आपको शांति देगा, सारी चिंताओं से वो आपको मुक्त करेगा। भजन 119:50 में ऐसा लिखा हुआ है, मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। प्रियो, हमारे दुख के समय हमारा प्रभु हमें शांति देता है, और ना केवल वो शांति देता है वरन हमें नया जीवन भी देता है। अय्यूब की ओर देखें, प्रभु की अद्भुत शांति से भरा हुआ व्यक्ति अय्यूब अपना सब कुछ खोने के बाद भी वह परमेश्वर की नाम की महिमा करता है, और वह कहता है, यहोवा ने दिया और यहोवा ने ही लिया, यहोवा का नाम धन्य है। प्रभु की कितनी महान शांति हम अय्यूब के जीवन में देखने पाते हैं। अब उसने, अय्यूब ने अपना सब कुछ खोने के बाद भी परमेश्वर पिता को धन्यवाद दिया। प्रियो, क्या हम अपने जीवन के दुख के समय परमेश्वर पिता को धन्यवाद दे सकते हैं? यूहन्ना 16:33 में लिखा है, तुम्हें शांति मिले, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाणस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। संसार के क्लेशों पर जय प्राप्त करने के लिए प्रभु हमें शांति देते हैं। जब हम प्रभु को अपने हृदय की वेदना से पुकारते हैं, तब परमेश्वर की शांति हमारे अशांत मन को शांति से भर देती है। प्रार्थना द्वारा अपनी समस्याओं को प्रभु के हाथ में दे दें, तब प्रभु की असीम शांति हमारे हृदय में और हमारे मनों में आ जाएगी। प्रभु की सच्ची शांति को प्राप्त करने के लिए अपना भरोसा प्रभु पर सदैव बनाए रखें, सदैव धन्यवाद के हृदय के साथ प्रार्थना करते रहें, क्योंकि हमारे परमेश्वर पिता का ये वायदा हमें दिया गया है, मैं तुम्हें शांति दूंगा। पांचवी बात, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। ये हमारे परमेश्वर का वायदा है, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। भजन 50:15 में ऐसा लिखा हुआ है, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, और तू मेरी महिमा करने पाएगा। जब हमारे जीवन में संकट, क्लेश, परेशानियां आती हैं, उस समय हमें किसी मनुष्य को पुकारने की या किसी मनुष्य की ओर देखने की
आवश्यकता नहीं, न ही किसी और को पुकारने की जरूरत है, क्योंकि कई बार हमारे अपने लोग हमें संकट के समय अकेला छोड़ देते हैं। हमें अपने संकट के समय में केवल अपनी दृष्टि को प्रभु की ओर लगाना है। सहायता केवल वहीं से आएगी। वह हमारी पुकार को सुनकर हमें हर एक प्रकार के संकटों से और क्लेशों से हमें छुटकारा प्रदान करेगा। भजन 79:9 में लिखा हुआ है, उसने अपने नाम के निमित्त हमें छुड़ाकर हमारे पापों को ढांप दिया है। प्रभु हमारे पापों से हमें छुड़ाएगा और अपनी संतान हमें बनाएगा। भजन 37:40 में लिखा है, वह हमें दुष्टों से छुड़ाकर हमें उद्धार देता है। वह हमें उद्धार देने के लिए हमें छुड़ाएगा। कुलुसियों 1:13 में लिखा हुआ है, उसने हमें अंधकार के वश से छुड़ाया है। हाँ प्रियो, हमारा प्रभु हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर हमें ज्योति की संतान बनाता है। हमारे प्रभु ने हमें अंधकार के वश से मुक्त कर हमें ज्योति की संतान बनाया। वह ज्योति हमारा प्रभु है। आज भी हमारा छुड़ाने वाला जीवित है। प्रभु के सामर्थी हाथों में अपनी सारी विपरीत परिस्थितियों को सौंप दें। वह हमें हर एक विपरीत परिस्थितियों से, हर एक अंधकार की शक्तियों से छुड़ाकर एक जीवन जीवन देगा। हमारा विजय देने वाला परमेश्वर हमारे साथ सदैव रहता है, क्योंकि ये परमेश्वर का वायदा है कि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। 6वीं बात, मैं तुम्हें ले चलूँगा। यशाया 48:17 में लिखा है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ, और जिस मार्ग में तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूँ। हाँ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारा परमेश्वर महान है। वह हमारे मार्गों में हमारे साथ चलता है। जब प्रभु हमारे साथ चलता है हम अपने मार्ग से कभी भटकने नहीं पाएंगे। ये हमारे प्रभु का हमसे वायदा है कि वह सदैव हमारे साथ चलेगा। हमारा प्रभु सदैव हमारे साथ चलेगा। वह अपने धर्म के मार्गों में हमें ले चलेगा। वह अपने धर्म के मार्गों में हमें ले चलता है। भजन 23:2 में लिखा है, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदायी जल के झरनों के पास ले चलता है। यह हमारे प्रभु का वायदा है। वह हमें सुखदायी आरामदायक जीवन देगा। जिस प्रकार वह मूसा के साथ साथ चला, वैसे ही प्रभु हमारे साथ भी सदैव चलेगा। कुछ और प्रभु के वायदे जो प्रभु ने अपने लोगों के लिए दिए हैं, मैं आपको बताना चाहूंगी। मैं तुम्हें सामर्थ दूंगा। भजन 68:28। मैं तुम्हें स्थिर करूंगा। भजन 26:21। मैं तुम्हें जानता हूँ। भजन 139:1-2। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। भजन 136:26। मैं तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर दूंगा। मरकुस 11:24। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। यशाया 41:10। मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। यूहन्ना 16:7-13। मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। यूहन्ना 14:18। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती 11:28। मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। यहोशू 1:5। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु के वायदे जो हमें एक आशीष के रूप में दिए गए हैं, हमने इन वायदों को यह देखें, हमारे प्रभु के वायदों को और उसकी प्रतिज्ञाओं को जो प्रभु ने अपने लोगों के लिए दिए हैं, हमने यह अध्ययन किए हैं। हजारों वायदे और हजारों प्रतिज्ञाएं जो प्रभु ने अपनी प्रजा को आशीष के रूप में दिए हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, अब यहाँ प्रभु का उसकी प्रजा से, उसके लोगों से एक सवाल है। वह कौन सा सवाल है जो प्रभु अपने लोगों से और अपनी प्रजा से
पूछना चाहते हैं। प्रभु का प्रश्न ये है, अब तू बता, तू मेरे लिए क्या करेगा। प्रियो, हमारे जीवन की भलाइयों के बदले, हमारे जीवन में परमेश्वर की करुणा के बदले, उन तमाम उपकारों के बदले, अब हमारे प्रभु का ये सवाल हम में से हर एक के लिए है कि हम परमेश्वर के लिए क्या कर सकते हैं, परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं। परमेश्वर हमसे केवल और केवल धन्यवाद रूपी बलिदान को चाहते हैं। प्रभु चाहते हैं कि हम अपने हृदय की गहराई और आत्मा की सच्चाई के साथ प्रभु की स्तुति और आराधना करें। हम अपने सृष्टिकर्ता को सदैव धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाते रहें। हमारा प्रभु हमसे और कुछ नहीं चाहता, हमारा प्रभु हमसे केवल ये चाहता है कि हम प्रभु के प्रति विश्वास योग्य बने रहें, प्रभु के भय में अपने जीवन को हम व्यतीत करें और हर समय हर एक परिस्थिति में हम प्रभु को धन्य कहते रहें, उसके उपकारों के बदले और उसकी करुणा के बदले और उसकी तमाम आशीषों के बदले केवल हम प्रभु को धन्यवाद रूपी भेंट चढ़ा सकते हैं। जिस प्रकार भजन 34:1 में लिखा है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। हमें हर बातों के लिए निरंतर प्रभु को धन्यवाद देना है, अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए प्रभु को सदैव धन्यवाद दें, उसकी महिमा करें, क्योंकि हमारा प्रभु महिमा और स्तुति के योग्य है। प्रभु ने हजारों प्रतिज्ञाएं हम मसीह लोगों के लिए दिया है, उन लोगों के लिए जो प्रभु का भय मानते हैं, जो उसकी आज्ञा मानकर एक पवित्र जीवन को जीते हैं। ऐसे लोगों के लिए प्रभु की प्रतिज्ञाएं, प्रभु के वायदे आशीष के रूप में उन्हें दिए गए हैं। ये वायदे जो प्रभु ने हमें दिए हैं, ये वायदे कभी नहीं चलेंगे और ना ही ये वायदे कभी बदलेंगे, क्योंकि हमारा प्रभु कल और आज और युगान्युग एक सा है। प्रभु आपको आपके जीवन में हर एक विषम परिस्थितियों में जयवंत करेगा। प्रभु को अपने जीवन में प्रथम स्थान दीजिए, अपने जीवन के द्वारा उसके नाम की महिमा करें, एक पवित्र जीवन जिए और प्रभु की आशीष को प्राप्त करें, उसके वायदे और उसकी प्रतिज्ञाओं को अपने दैनिक जीवन में प्रतिदिन स्मरण करते रहें। आज के वचन से संबंधित एक बहुत पुराना गीत है जो मैं आपके सम्मुख में गाना चाहती हूँ। खुदा के वायदे नहीं टलेंगे, जो कुछ भी गिरे वो रहेंगे, अगर बुझ जावे आसमान के तारे, वहां ये वायदे कायम रहते चट्टान की तरह, और जब दुनियावी सहारे गिरते वे वायदे हिलते नहीं, खुदा के वायदे नहीं टले, जो कुछ भी गिरे वो रहेंगे, अगर बुझ जावे आसमान के तारे, वहां ये वायदे रहेंगे। हाँ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आसमान के तारे बुझ सकते हैं, दुनिया के सहारे गिर सकते हैं, लेकिन हमारे खुदा के वायदे कभी नहीं टलेंगे। हमारे खुदा के वायदे एक चट्टान की तरह हमेशा हमेशा कायम रहेंगे। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको
आशीष देवे। आमीन।